किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेला की खेती गर्मी में कैसे करेंगे, यानी कि जून और जुलाई का जो महीना होता है, बरसात का मौसम है, इसमें आप कैसे करेला की खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कौन सी मौसम में लगा सकते हैं, इसके लिए कौन सा मिट्टी परफेक्ट होता है, इसके लिए तापमान कितना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करेंगे और इसके बीज का रोपाई कैसे करना चाहिए और बीज का जो दर देना होता है वो कितना देना है। साथ ही हम बात करेंगे बीज उपचार कैसे करना है और कौन से दवाई से करना है, इन सारी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, खेती बारे जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। किसान साथियों, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि करेला की खेती करने के लिए कौन सा मौसम बेस्ट होता है, अच्छा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो करेला खेती ऐसे सर्दी के मौसम में भी कर सकते हैं और गर्मी के मौसम में भी कर सकते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में करना चाहते हैं किसान साथियों, खास करके जून और जुलाई के महीना में जिस समय बरसात होता है, तो उस समय के लिए जो इस करेला की खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, वो कम से कम आपको 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक ज़रूरी होता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं करेले की खेती करने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है उसके बारे में बात करते हैं। तो करेले की खेती के लिए वैसे तो सभी मिट्टी अच्छा माना जाता है, लेकिन अधिक पैदावार के लिए जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा किसान साथियों, जो नदी किनारे वाले मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होती है, वो भी करेला की खेती के लिए बहुत ही उन्नत मानी जाती है। अब हम बात करते हैं किसान साथियों कि करेला की खेती करने के लिए उस खेत को तैयार कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। करेला की खेती करने के लिए जिस खेत में आप करेला की खेती करना चाहते हैं किसान साथियों, लगाना चाहते हैं, उस खेत को 15 से 20 दिन पहले से ही उस खेत की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उस खेत की जुताई के लिए जो मिट्टी पलटने वाला मशीन होता है उससे आपको पहला जुताई करना चाहिए, और पहला जुताई करने के बाद उस प्लॉट को, उस खेत को थोड़े दिन के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें अच्छे से हवा लग जाए। उसके बाद आपको किसान साथियों उसी खेत में 10 से 12 ट्रॉली गोबर खाद हो या फिर केचवा खाद हो या फिर कंपोस्ट खाद हो, वो डाल देना चाहिए। और डालने के बाद उसी खेत को आपको कल्टीवेटर से दूसरा जुताई कर देना चाहिए। अगर आप दूसरा जुताई कल्टीवेटर से कर देते हैं किसान साथियों, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो भी आपने उसमें खाद डाला हुआ, उर्वरक डाला हुआ है, वह एक बराबर मात्रा में, समान मात्रा में आपके पूरे प्लॉट में अच्छे तरीके से वो मिल जाता है, बंट जाता है। इसके बाद 1 से 2 दिन के बाद उस खेत में आपको हल्का सिंचाई कर देना चाहिए, और सिंचाई के बाद जब पानी सूख जाए आपके प्लॉट में, तो फिर एक बार आपको उसी खेत को अच्छे से जुताई कर देना चाहिए। और जिस ऐसी जुताई करें किसान साथियों कि जो उसका मिट्टी है वो बिल्कुल भुरभुरा हो जाए, क्योंकि भुरभुरा मिट्टी में जब हम बीज लगाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो करता है और बहुत ही अच्छा विकास करता है। उसके बाद अंत में किसान साथियों, उस खेत में जब भुरभुरा हो जाता है, तो उसमें आपको पाटा लगाकर छोड़ देना चाहिए। पाटा लगाने से क्या होगा कि जो भी खेत आपका, मतलब कहीं पर ऊँचा हो, उबर खाबर हो, तो वो पूरे समतल, मतलब समतल हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस समय तक आपका जो खेत होता है किसान साथियों, वो 90 से 95% तक तैयार हो जाता है। इसके बाद आपको अंत में क्या करना चाहिए, आपको क्यारी तैयार करना चाहिए। क्यारी तैयार करने के लिए किसान साथियों, आपको 1 से 1.5 फीट चौड़ा और 4 से 5 फीट की दूरी पर आपको क्यारी को तैयार करना चाहिए। क्यारी तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा होता है, आपके जो पौधा का बढ़वार होता है बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। इसके बाद किसान साथियों, आपको क्या करना चाहिए, जो SSP खाद होती है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके साथ में यूरिया भी, साथ में पोटास, इन तीनों का अच्छे से मिश्रण बनाकर आपको पूरे प्लॉट में आपको डाल देना चाहिए, जिससे कि आपका जो उर्वरा शक्ति है खेत का वो आपका बढ़ जाता है। और जो भी खाद आप डालें किसान साथियों, उसको एक परफेक्ट मात्रा में डालें, ना अधिक डालें ना कम डालें। इसके बाद हम बात करते हैं किसान साथियों, जिसका जो बीज का रोपाई का तरीका होता है, इसके बारे में बात करते हैं। बीज का रोपाई का जो तरीका होता है किसान साथियों, ये 2 तरीका से होता है। पहला होता है नर्सरी लगाकर, आपको आप उसके जब नर्सरी तैयार हो जाता है उस समय उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट सीड को ही आप जाके, यानी कि जो बीज है डायरेक्ट बीज को ही जाकर अपने मेन प्लॉट में लगा सकते हैं। अगर हम बात करें नर्सरी से लगाने के बारे में किसान साथियों, तो नर्सरी, अगर आप नर्सरी से लगाना चाहते हैं, तो आपको नर्सरी लगाने के लिए कम से कम 1 महीना पहले से ही आपको बीज को गिरा देना होता है नर्सरी में। नर्सरी में कम से कम तैयार होने में 30 दिन लगता है, और जब आपका पौधा तैयार हो जाता है उस समय आपको मेन प्लॉट में लगाना होता है। अगर हम बात करें किसान साथियों, इसका जो बीज दर होता है, जो सीड रेट होता है प्रति एकड़ के हिसाब से, तो 3.5 से 4 kg तक बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है, जो कि परफेक्ट होता है।
अगर हम बात करें किसान साथियों, जब भी आप अगर आप इसका नर्सरी गिरा रहे हैं, नर्सरी डालने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय आपको उस बीज का जो सीड ट्रीटमेंट होता है वो कर देना चाहिए। और जब आप नर्सरी आपका तैयार हो जाता है और उस समय आप जब मेन प्लॉट में उसको लगाना चाहते हैं जा रहे होते हैं, तो उस समय भी आपको नर्सरी का जो जड़ का उपचार होता है वो आपको कर देना चाहिए। जड़ उपचार और बीज उपचार के लिए किसान साथियों आपको क्रिस्टल कंपनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त फंगीसाइड है, वविस्टिन के नाम से आता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर उससे आपको जड़ उपचार करना चाहिए या फिर बीज उपचार करना चाहिए। अगर हम बात करें किसान साथियों इसका जो खरपतवार नियंत्रण के बारे में, इसमें जो आने वाले खरपतवार होते हैं उसके बारे में, तो किसान साथियों आप कोशिश करें कि जब आपका पौधा आपके मेन प्लॉट में लग जाता है तो उस समय आपको उसके 10 दिन बाद या 12 दिन बाद जब भी आपको लगे कि हमारे प्लॉट में खरपतवार का नियंत्रण बढ़ रहा है तो उस समय आपको खुद से ही या फिर आप लेबर करके उसको हाथ से ही मैन्युअली उसको आप उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो है पहली बात तो जो आपका परेशानी होता है वो भी थोड़ा घट जाता है, केमिकल्स आपके खेत में उतना नहीं पड़ पाता है। अगर आप केमिकल्स का छिड़काव करते हैं खरपतवार नष्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके जो पौधा है उस पर भी वो इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करें किसान साथियों की सिंचाई के बारे में। अगर आप सर्दी के मौसम में कर रहे हैं इसका खेती किसान साथियों, फरवरी के महीना में, मार्च के महीना में, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि 10 से 15 दिन पर सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप जून जुलाई के महीना में करते हैं, अगर बरसात नहीं हो रही है, तो आपको 5 से 6 दिन पर लगातार इसमें आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसान साथियों इसका जो आपको पहला हार्वेस्टिंग, जो पहला तुराई मिलने वाला है। अगर आप डायरेक्ट बीज को मेन प्लॉट में लगाए थे तो आपको कम से कम 80 से 90 दिन का समय लगता है पहला हार्वेस्टिंग करने में, पहला तुराई करने में। अगर आप नर्सरी लगाकर, नर्सरी से उखाड़ कर मेन प्लॉट में लगाए हैं पौधा को, तो आपको 60 से 65 दिन में ही पहला तुराई तोड़ने के लिए मिल जाएगा। किसान साथियों अगर हम बात करें कि टॉप किस्म के बारे में, उन्नत किस्म के बारे में, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हुआ है, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं जो कि उन्नत किस्म है, उसको आप लगा सकते हैं। किसान साथियों मेरा ये आज का वीडियो करेला की खेती पे था, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।